मोहब्बत भी लड़ाई भी खुदा भी और खुदाई भी, यहीं भंगड़ा यहीं गिद्धा यहाँ सूफी सदाई भी, मुझे पंजाब कहते हैं। सी लिमिटेशन हर एक जगह पे है, जीने में भी लिमिटेशंस हैं। आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे। ना कोई नया एक्टर दिलीप कुमार हो सकता है या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन हो सकता है। एक्चुअली आई डोंट मिस एनीथिंग इन टुडे सॉन्ग, क्योंकि हम पिछले पुराने गाने ना भाई साहब सिर्फ 200 सुन रहे हैं, आपको पता है। और पिछले 100 साल से हम फिल्में बना रहे हैं। आलमारा हमारी पहली पिक्चर थी जिसमें गाने थे, और अब तक हम पिक्चरें बना रहे हैं। और रेडियो पे सिर्फ 200-250 गाने चलते हैं पुराने, वही बार बार जो हिट हो गए हैं। और उसके अलावा वो सब आप नहीं सुनते हैं जो आप तक पहुँचा ही नहीं है या आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आज के ज़माने में भी आप आज के टाइम को थोड़ा सा वक्त दीजिए, 10-15 साल दीजिए, आप फिर यही बात दोहराएंगे कि पीछे वाले जो गाने थे वो बहुत अच्छे होते थे, आज से 20 साल पहले जो गाने लिखे जा रहे थे। सो आई डोंट थिंक आई डोंट मिस एनीथिंग। सी लिमिटेशन हर एक जगह पे है, जीने में भी लिमिटेशंस हैं, तो यू हैव टू डू योर बेस्ट इन दोज लिमिटेशंस ओनली। बाजा, बेसिकली बाजा इज मोर देन अ ट्रिब्यूट टू चमकीला, इट्स अ यू नो प्रीलूड फॉर अ स्टोरी। एक जैसे किताब का प्रीफेस होता है, प्रीफेस में आप कुछ किताब के बारे में बहुत ही मफहूम बहुत ही क्रक्स में बताते हो कि ये किताब इस बारे में है, तो बाजा गाने में भी चमकीले की कहानी के बारे में और क्या लोगों की राय थी उसके बारे में, किस तरह का सोशल सिनारियो था, क्या माहौल था, बाजा में एक कहानी का प्रीफेस सेट करने की कोशिश की गई। देखिए ऐसा है, पहले आप अपना टेबल साफ कीजिए, उसके बाद कुर्सी पे कपड़ा मारिए, उसके बाद एक कॉपी रखिए सामने, फिर एक पेन निकालिए और फिर धुन सुनिए और फिर कुछ सोचने की कोशिश कीजिए। बाई चांस अगर कुछ आपके दिमाग में आ जाए तो उसको लिख लीजिए। ये गाना लिखने का प्रोसेस बहुत ही अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम क्या, एवरी टाइम इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। जब भी मैं काम करता हूँ रहमान साहब के साथ, कुछ सीखता हूँ। बेसिकली मैं किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम करता हूँ, चाहे वो प्रीतम के साथ काम करता हूँ, चाहे रहमान साहब के साथ काम करता हूँ या विशाल शेखर के साथ काम करता हूँ, इट वॉज रियली रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस। नो एक्चुअली आई थिंक गाना वो पूरा इश्क मिटाए गाने की कंपोजिशन थी, सिर्फ मैं हूँ पंजाब जो था वो एक इतनी सी लाइन थी जिसका जो मैंने एक पहले कभी पोएम लिखी थी जब इस पिक्चर पर हमने काम करना शुरू किया था। तो वो जो पोइट्री थी कि मोहब्बत भी लड़ाई भी खुदा भी और खुदाई भी, यहीं भंगड़ा यहीं गिद्धा यहाँ सूफी सदाई भी, मुझे पंजाब कहते हैं। तो ये बहुत लंबी पोएम थी जिसका नाम था मैं हूँ पंजाब, और एंड में आके भी ये बोलता था मैं हूँ पंजाब। सो दैट फ्रेज वी यूज्ड इन दैट सॉन्ग। सी चमकीला के गाने कलरफुल थे, बिल्कुल रंगीन गाने थे। रंगीन गाने अब भी होते हैं यार, ऐसा नहीं है, मतलब अभी गानों का ऐसा नहीं है कि म्यूट हो गया है रंग, अब भी रंगीन होते हैं गाने। पर ये है कि कहने का तरीका बदल गया है। पहले उस वो जिस तरीके से 80s में बात होती थी गानों में, जिस तरह का एक एटीट्यूड लिरिसिस्ट का रहता था, अभी मेरा ख्याल से एटीट्यूड अलग तरीके से रियलिस्टिक हुआ है, क्योंकि आज के ज़माने का रियलिज्म भी अलग है। आपने सुना वो फ्रेज बाई हुक और बाई क्रूक, सो हुक इज़ फॉर द क्रूक्स। जो काम नहीं करना चाहते हैं ना, उन्होंने ये चीज़ पॉपुलर कर दी है। अदरवाइज भले आप 1 मिनट गाएं या 10 मिनट गाएं, हैं तो गायक। आप भले 6 लाइनें लिखें या 16 लाइनें लिखें, हैं तो आप राइटर। सो आई डोंट थिंक के ये हुक लाइन बोल के हमने उसको थोड़ा सा बहुत ही अननेसेसरी जितना वेट देना नहीं चाहिए उतना दे दिया है। अब एक बहुत पहले की बरसात की रात की कवाली है, आपने सुनी होगी, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है इश्क इश्क। अब ये इश्क इश्क है इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, ये हुक लाइन नहीं है क्या? हुक लाइन है यार, ये तो बरसों पुराना है। मतलब अननेसेसरी क्यों हम अपने, मतलब काम चोरी क्यों कर रहे हैं यार, पूरा गाना लिखो। नहीं, कोई किसी जैसा नहीं हो सकता, कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। ना कोई नया बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हो सकता है, ना कोई नया एक्टर दिलीप कुमार हो सकता है या शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन हो सकता है, ना कोई राइटर ना कोई सिंगर। मेरे लिए गाना एक्सप्रेशन है।